ये hey गाइस कैसे हैं आप सब दोस्तों आज मैं अपने चैनल पे लेके आई हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स सब्सिडरीज आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन और उसकी सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या है यूनाइटेड नेशन की हेडकॉर्टर्स कहाँ हैं कब फाउंड हुआ था पर उससे पहले हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की एम क्या है क्या किस एम को लेके ये लोग चलते हैं तो इनकी एम है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना इनका काम है डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशन को बनाए रखना अचीव इंटरनेशनल कॉपोरेशन इंटरनेशनल कॉपोरेशन को अचीव करना इनकी एम है और अगर हम बात करें इनकी एक और एम की और वो है टू सेंटर ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ एक्शन ऑफ नेशंस भाई ब्रदरहुड बनाए रखना सभी कंट्रीज़ के बीच में यूनाइटेड नेशंस का एम है तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन बच्चों आता है पेपर में दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन के हेड क्वार्टर्स कहाँ है तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके हेड क्वार्टर्स है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क कहाँ यू एस ए में और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशंस कब फाउंड हुए तो ये फाउंड फाउंड कब हुए ट्वेंटी फोर अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव को अब दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस के बारे में कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो ची है जिसमें सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट मिल इसको देखती हैं अब बात करते हैं हम लोग इसके सेक्रेटरी जनरल की तो सेक्रेटरी जनरल चेंज होते रहते हैं पर अभी जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के वो हैं एंटोनियो गुटरेस अब इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके मेंबर्स हैं 193 नाइन्टी थ्री नेशन्स बताओ वन नाइन्टी कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर्स हैं और दो ऐसी नेशंस हैं दो ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी ऑब्जर्वर है अब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इससे पहले मैं ये बता दूं दो दोस्तों कि हमारी इंडियन पार्लियामेंट की दो ऑफिशियल लैंग्वेज है और वो है इंग्लिश और हिंदी इसी तरह से यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज़स कौन कौन सी है चाइनीज़ इंग्लिश फ्रेंच रशियन स्पेनिश और अराबिक दोस्तों अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन की सब्सिडरीज़ कौन कौन सी हैं अब सब्सिडरीज अगर मैं आपको बताऊं तो सब्सिडरीज कैसे याद रखना जैसे हमारी आरबीआई की सब्सिडरीज हैं सब्सिडरीज मतलब ब्रांचेस जैसे आरबीआई की ब्रांचेस हैं वैसे ही यूनाइटेड नेशन की ब्रांचेस भी हैं जिनको हम कहते हैं सब्सिडरीज तो एक नज़र डालते हैं यूनाइटेड नेशन की सब्सिडरीज दोस्तों मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सब्सिडरी कहाँ पे इस किस इसका जो आ, एक वो है हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पे है तो हेड क्वार्टर मेनली पूछा जाता है तो हम नजर डालते हैं सब्सिडरीज ऑफ़ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इसके हेड क्वार्टर्स हैं जेनेवा जेनेवा स्विट्जरलैंड में अब बात करते हैं अगली सब्सिडरी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और इसके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वाटर हैं न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क कहाँ यूएसए में अगली सब्सिडरी देखते हैं इसकी इंटरनेशनल मोनिट्री फंड और इसके हेडक्वाटर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी यूएसए यू एस ए में हडक्वाटर वाशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वाटर है और वाशिंगटन डीसी सी कहाँ है यूएसए अगली सब्सिडरी की बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजीज़ वर्ल्ड हेल्थ एंड वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली यूनाइटेड नेशंस जर्नरल असेंबली न्यूयॉर्क यूएसए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड यूनाइटेड नेशंस इन्वामेंटल प्रोग्राम और इसके इसके हेडक्वार्टर्स है हैं नरोबी में और लास्ट सब्सिडरी जो है यूनाइटेड नेशंस की वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स अगली सब्सिडरी देखते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन की वो है यूनाइट नेशनस पॉपुलेशन फंड अगली सब्सिडरी है यूनाइट नेशनस सेक्ट्रेट यूनाइट नेशनस यूनिवर्सिटी ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम अगली सब्सिडरी है इंपॉर्टेंट है यू एन यूनाइटेड नेशन वीमेन और इसके हेड क्वार्टर्स है न्यूयॉर्क इसको इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है कि यू एन वीमेन के हेडक्वार्टर्स कहाँ वो है न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क कहाँ यू एस ए और लास्ट जो इसकी सब्सिडरी है अभी मैं यहाँ की लास्ट सब्सिडरी की बात करूँ तो वो है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन अब बात करते हैं और सब्सिडरीज़ की अगली सब्सिडरी देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और इसके हेडक्वार्टर है लंडन यूके में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी हेडक्वाटर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमिनटेरियन अफेयर्स इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशनस डिपार्टमेंट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मन यूगोसलाविया ये ट्रिब्यूटरीज हैं यूनाइटेड नेशन की अभी बात खत्म नहीं हुई और भी सब्सिडरीज हैं पर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जिन सब्सिडरीज के हेडक्वार्टर्स यहाँ मेंशन है उनको स्पेशल इन्फोसिस करके अपने याद रखना है क्योंकि पेपर में अक्सर यही क्वेश्चन किया जाता है कि सब्सिडरी के हेडक्वाटर्स कहाँ कहाँ हैं अब नेक्स्ट सब्सिडरी देखते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यूनाइटेड इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्यूरेटिकल फिजिक्स United Nations Development Fund for Women United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute United Nations Institute for Disarmament Research United Nations System Staff College United Nations Research Institute for Social Development Working Group on Indigenous Populations तो ये हमने बात करी सब्सिडरीज सब्सिडरीज ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस तो सब्सिडरीज के बाद अब बात करते हैं हम लोग विटो पावर की अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है विटो पावर हमने अक्सर सुना है विटो पावर विटो पावर बट आज देखते हैं कि विटो क्या है तो विटो की अगर मैं नॉर्मल जर्नल डेफिनेशन की बात करूँ तो वो क्या कहती है द पार आर राइट वेस्टेड इन वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट टू कैंसिल आर पोस्टपोन द डिसीजन इन एक्टमेंट्स ऑफ़ एन अदर ब्रांच इस्पेली द राइट ऑफ द प्रेजिडेंट गवर्नर और अदर चीफ एग्जीक्यूटिव टू रिजेक्ट बिल्स पास बाय द लेजिस्लेचर अब मैं इस डेफिनेशन की अगर जनरल बात करूँ एक आपको आम एग्जाम्पल दूँ तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई किसी लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास कर दिया अब वो बिल रिजेक्ट करने की किसी पर्सन के पास किसी गवर्नमेंट के पास जब स्पेशल पार होती है उस पार को यह हम कहते हैं विटो पार अब हम विटो पार की बात करते हैं विटो पार की वो डेफिनेशन समझते हैं यो जो यूनाइटेड नेशन के कंसर्न में है अब यूनाइटेड नेशन के कंसर्न में विटो पार क्या होती है वो देखते हैं विटो पार इज एक्चुअली अ लेटिन वर्ड ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है आई फॉर बिट इट इज़ ग्रांटेड टू द मेंबर नेशन ऑफ़ द यूएन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन एन यहाँ पर क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और वो कौन कौन से मेंबर्स हैं वो मेंबर्स हैं यूएसए ये मेंबर्स आपको याद रखने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए, चाइना रशिया फ्रांस और यूके ये वो मेंबर्स हैं जो क्या कर जिनके पास विटो पार है अब हम बात करते हैं आगे की तरफ इफ़ एनी नेशन हैज़ एन इशू विद द डिसीजन टेकन बाय अदर मेंबर नेशंस इट कैन यूज़ इट्स विटो पार एंड शट इट्स इनिशिएटिव डाउन तो मैंने अभी आपको समझाया कि वे ये वो स्पेशल पार है जो किसी भी किसी भी बिल को किसी भी चीज़ को किसी भी रेजोल्यूशन को क्या कर सकती है स्टॉप कर सकती है ये वो स्पेशल पार है जिसे हम कहते हैं विटो पार और लास्ट में आपको मैं फिर से एक बार ये बता दूं कि किन किन कंट्रीज़ के पार पास विटो पार है ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि किन कंट्रीज़ के पास विटो पार है किन के पास विटो पार नहीं है तो आपको याद रखना है विटो पार किन पांच कंट्रीज़ के पास है वो है यूएसए चाइना रशिया फ्रांस और ब्रिटेन ये वो पांच कंट्रीज़ है जिनके पास वीटो पार है लेकिन अब सबसे लास्ट में मैं जाते जाते एक स्पेशल नोट आपको देके जा रही हूँ और वो ये है कि इन पांच कंट्रीज़ में से जिनके पास वीटो पार है उन सब में से किसने अब तक सबसे ज़्यादा इस पार का यूज़ किया है तो भाई वो है रशिया रशिया ने सबसे ज़्यादा वीटो पार का इस्तेमाल किया है